हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आज आपके लिए पीजी में सेल के बिल कैसे काटे जाते हैं और परचेज के बिल कैसे चढ़ाए जाते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। परचेज का बिल जैसे चढ़ाओगे आप, तो परचेज पे जैसे क्लिक करोगे तो तीन ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला जो ऑप्शन है ऐड बिल में, ऐड करना बिल, नया बिल ऐड करना। दूसरा मॉडिफाई, बने हुए बिल को मॉडिफाई करना। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, बने हुए बिलों के लिस्ट के द्वारा देखना। स्टार्ट करते हैं सेल के परचेज के बिल ऐड करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। फर्स्ट डेट का, जैसे मैंने डेट डाल ली है, डेट के बाद बिल नंबर, इसके बाद आपके सामने परचेज टाइप नज़र आएगा। जैसे ही परचेज टाइप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे IGST आइटम वाइज, IGST मल्टीपे रेट, IGST निल रेटेड, IGST टैक्स इंक्लूसिव, ये अलग अलग तरह के LGST IGST ये सब कुछ सामने आएगा। तो ये जो मेरे पास परचेज इनवॉइस है, ये है दिल्ली की है, नाम है प्रेम एंटरप्राइजेज। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद यहाँ पे गलती से भी आपने LGST, जैसा कि LGST कर लिया। LGST करने के बाद जैसे ही मैं प्रेम शंकर एंटर करूँगा तो ये मना कर रहा है, यू आर एंटर द लोकल ट्रांजेक्शन पार्टी बिलोइंग द स्टेट, डू यू वॉन्ट कंटिन्यू। ये आपसे बोल रहा है कि प्रेम एंटरप्राइजेज जो पार्टी है दिल्ली की है, और दिल्ली की जो पार्टी का ये वाला जो LGST यानी लोकल है, सी इसमें CGST SGST टैक्स लगेगा, और ये वह जो पर्ची चढ़ेगी वो IGST में चढ़ेगी। तो आपको इसको सेपरेट भी कर सकते हो, जैसे ही आप इस पार्टी की पर्ची चढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिक IGST में ही लेगा। इसकी सेटिंग करने के लिए आपको अल्टर प्लस एम करना पड़ेगा। जैसे पार्टी मॉडिफाई करने का फीचर्स है अल्ट प्लस एम, जैसे अल्ट प्लस एम करोगे तो पार्टी मॉडिफाई हो जाएगी। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका एड्रेस दिल्ली लिखा हुआ है, स्टेट दिल्ली है, और रजिस्टर्ड GS नंबर डले हुए हैं इसके। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, स्पेसिफाई डिफॉल्ट परचेज टाइप, यहाँ पे आपको वाई करना है। जैसे यहाँ पे वाई करने के बाद एंटर, एंटर करने के बाद आपको IGST आइटम वाइज पे एंटर करना है। IGST आइटम वाइज, IGST आइटम वाइज मैंने कर दिया, इसके बाद मैं कर देता हूँ इसको सेव। अब जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट बिल बनाऊंगा, दूसरा बिल जैसे ही बनाऊंगा, यहाँ मैं कुछ भी करूँ उससे कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैं पार्टी का नाम लिखूंगा, ऑटोमेटिक IGST ऐड कर लेगा, यानी मैंने उसको सेपरेट कर दिया है। इसके बाद मेटेरियल सेंटर पे मेन रहेगा, यहाँ पर आपको इनपुट गुड सर्विस ही करना है। जैसे अगर आप इनपुट एक्सपेंसेस वाली इनपुट क्लेम करना चाहो तो आप इनपुट सर्विस कर सकते हो। अगर आप ऐसी पार्टी से परचेज कर रहे हो जिससे आपको ITC नहीं मिलने वाला, तो उसको नन करना है। इसको मैं इनपुट गुड सर्विस कर लेता हूँ, क्योंकि इस परचेज को बिल को चढ़ाने से मेरे को ITC मिल रही है। एंटर, यहाँ पे नरेशन डाल सकते हो, ये गुड्स कौन सी डेट को डिलीवर्ड हुआ है या कौन सी ट्रांसपोर्ट से आया है, ये सारी डिटेल्स आप इसमें जो भी आपको लगे वो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास तीन आइटम ऑलरेडी खुले हुए हैं। जैसे मैं फर्स्ट आइटम पे क्लिक करता हूँ, बोनवीटा 500 ग्राम, 500 ग्राम के मैं 50 केस, एंटर,
आप जार भी कर सकते हो इसको, इसको सीबी भी कर सकते हो। सीबी करोगे तो सीबी की रेट लग जाएगी, एक एक कार्टून की रेट है 2776 रुपये 73 पैसे। जैसे यहाँ पे मैं पीस करता हूँ तो पीस की रेट भी, पीस नहीं सॉरी जार, जार जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जार की रेट भी ये ऑटोमेटिक 50, और ये जैसे जार करूँगा तो जार की रेट ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। जैसा कि बोनविटा 500 ग्राम के 50, और जार पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये जार की रेट 184 रुपये 93 पैसे ले लेगा। इसके बाद जैसे मैं अगला आइटम लिखता हूँ बोनविटा 500 ग्राम 1 केस 1 CB, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक कार्टून की रेट ले लेगा। एंटर। इसके बाद डेयरी मिल्क 5 रुपये वाली है, एक पीस। इसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसके अंदर जो इसकी अल्टरनेट यूनिट एंड पैकेजिंग कैसे डाली जाती है। जैसे फर्स्ट में आपने इसका नाम लिख दिया, आइटम का नाम, आइटम लिखने के बाद इसका ग्रुप लिख दिया, ग्रुप लिखने के बाद जैसे पीस पे पीस कर दिया। डेयरी मिल्क 5 रुपये वाली, एक बॉक्स में 72 पीस निकलते हैं, और एक बॉक्स में 72 पीस निकलते हैं, और इसके अंदर 1728 पीस का एक कार्टन होता है। इसकी जैसे आप सेटिंग करोगे तो एक बॉक्स के अंदर 72 पीस बराबर पीस कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग रहेगी इसकी, पीस बराबर बॉक्स। इसके बाद जैसे एंटर करोगे तो इसके GST कितना परसेंट है, इसके बाद HSN, HSN के बाद इसमें मैंने जो रेट का ऑप्शन कर रखा है बोथ कर रखा है दोनों का, पीस में भी रेट लगा सकते हो आप, इसमें बॉक्स में भी रेट लगा सकते हो। पीस की रेट आपके सामने डिस्प्ले पे नज़र आ रही है, बॉक्स की रेट ये है, सेल के बॉक्स की रेट ये है, ये वाली है 277 रुपये 20 पैसे, और परचेज की रेट 264 रुपये 24 पैसे हैं। MRP इसकी 5 रुपये हैं, और पैकेजिंग यूनिट CB की जो क्वांटिटी है 1728 है। बहुत सी जो FMCG कंपनियां होती है उसमें पैकेजिंग के सिस्टम 3 तरह के होते हैं, पीस, पीस बराबर पीस, पीस बराबर बॉक्स, और बॉक्स बराबर कार्टून। 3 पैकेजिंग होती है। अगर 3 पैकेजिंग का जैसे सिस्टम आप चालू करना चाहते हो तो आप इसकी सेटिंग मैं आपके लिए बता देता हूँ आपको किस तरह से ऑन करना है। Alt प्लस F करोगे, F करने के बाद जैसे आप फीचर्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट एंड पैकेजिंग यूनिट पे यस टिक टिक मार्क करना है, उसके बाद वहाँ पे आपका फीचर्स चालू हो जाएगा। ये जो यहाँ पे दिख रहा है अल्टरनेट यूनिट का, जैसे मैं वहां से चालू करूंगा तो इसके बाद ये यहाँ पे नजर आएगा। इसके बाद इसके एक कार्टून की रेट भी डाल सकते हो आप। एक बार सेट करने के बाद आपको बार बार रेट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको सेव करना है, सेव करने के बाद में आप जैसे एक केस डालोगे, एक सीबी डालोगे तो इसके अंदर 1 CB के अंदर 24 बॉक्स निकलते हैं, पर एक बॉक्स बराबर 72 पीस। ये यहाँ पे अंदर पर बॉक्स की रेट है 264 रुपये 24 पैसे। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आप तो इस तरह से आपका बिल बन के, परचेज का बिल चढ़ के बिल्कुल तैयार हो चुका है। F2 प्रेस करके आप इसको सेव कर सकते हो। न्यू रेफरेंस नंबर, ये B560 इसका रेफरेंस नंबर है। जैसे आप इसकी पेमेंट की एंट्री करोगे तो आपको ये बिल नंबर B560 रेफरेंस से पे ऐड करना पड़ेगा। परचेज का बिल मैंने ऐड कर दिया है, परचेज से रिलेटेड कोई किसी तरह की
कोई किसी तरह की समस्या आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो। इसके बाद परचेज के बिल ऐड करने के बाद आपको कार्ट परचेज का बिल ऐड करने के बाद आपको सेल के बिल कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आप सेल पे जाओगे, सेल पे भी आपको वही ऑप्शन नज़र आएंगे। सेल पे जैसे क्लिक करोगे, सेल करने के बाद सेल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको तीन ऑप्शन नज़र आएंगे, ऐड मॉडिफाई लिस्ट। मुझे करना है मॉडिफाई, मॉडिफाई पे अगर जैसे मेरे को कोई बिल को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करना है, लेकिन मुझे ऐड करना है। ऐड पे जैसे ही क्लिक करूँगा इसी तरह से सीरियल मेरे सामने आएगी, एंटर डेट मैंने डाल दिए। डेट डालने के बाद ये जो वाउचर नंबर है ये ऑटोमेटिक ले रहा है, तो इसको मैं मेरे हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे अब मेरे हिसाब से मैं कोई नई सीरीज चलाना चाहता हूँ तो मैं उसको कैसे चलाई जाती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। अल्ट प्लस एफ, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, सेल मेन, नंबरिंग पे जैसे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक एंटर ईयरली एंड नॉट रिक्वायर्ड A1। इस तरीके से आपको करना है। जैसे ए सीरीज बिल नंबर 1 से स्टार्टिंग होगा। ओके ओके करने के बाद यस, जैसे मैं बिल बनाना चालू करूँगा तो मेरा जो फर्स्ट नंबर बिल आएगा वो A1 से स्टार्ट होगा। इसके बाद जैसे मुझे लोकल में ही बिल काटने हैं तो मैं एक स्पेशल ऐसी सीरीज जो बनाऊंगा उसमें केवल LG यहाँ बार बार चेंज करने का नहीं रहेगा। इसकी भी मैं आपके लिए सेटिंग बता देता हूँ ये किस तरीके से करना है। अल्ट प्लस एफ, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स मेन, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद पोज, पोज को यहाँ पे वाई करना है, अनेबल एडवांस पोज डाटा एंट्री वाई। वाई करने के बाद जैसे ओके करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। एंटर सेमी वेरिएबल जो आपके कि मैंने कल नेक्स्ट दिन काम किया था, अगर जैसे मैंने वहाँ से काम करने के बाद जैसे स्टार्ट आज से चालू करूँगा तो वो पिछले डेट के हिसाब से आपकी सिस्टम डेट के हिसाब से ही आपकी डेट ली ले ली जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे आपके कंप्यूटर की जो सिस्टम डेट है उसके हिसाब से लेना चाहते हो तो आप लास्ट सिस्टम डेट से कर सकते हो, और लास्ट डेट से लेना चाहते हो तो लास्ट डेट से कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर नीचे दोनों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मैंने सिस्टम डेट के हिसाब से क्लिक कर रखा है। एंटर मैंने एंटर कर सकते हो, जैसा कि मैं LGST आइटम वाइज, LGST आइटम वाइज, इसके बाद मैंने सेव कर दिया। सेव यहाँ पे पूछ रहे मेन, यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद पार्टी का केस, केस के बाद यहाँ पे मेन हो गया। इसकी सेटिंग मैंने कर दी है। जैसे मैं एंटर एंटर करने के बाद LGST ऑटोमेटिक उठा लिया, ये परमानेंट, बाद आप बाद में भी चेंज कर सकते हो लेकिन ये आएगा फर्स्ट नंबर। जैसे आप बिल बनाओगे तो LGST आइटमाइज पे आएगा। जैसे मैंने एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद आपको आपका आपका डेट में डाल देता हूँ, डेट मैंने डाल दी है। जो बिल नंबर है A1 स्टार्ट, जैसे सेट की सीरीज जैसे सेट करिए उस हिसाब से इसने उठा ली है। इसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे केस मैंने ऐड कर केस लिख रखा है। केस की जगह मैं किसी पार्टी का नाम भी डाल सकता हूँ, जैसा कि मैं राजस्थान एंटरप्राइजेज पार्टी का नाम मैंने ऐड कर दिया। वही आपके सामने स्टॉक सामने आ गया है जो कि उधर परचेज में अपन ने चढ़ाया था। सेल के बिल काटने के लिए भी आपको वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है।
जैसे कि नाम ब्रोनवीटा 500 ग्राम, 500 ग्राम पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें यहाँ डालता हूँ मैं 10 केस, 10 केस, 10 केस मैंने परचेज नहीं किए थे। जैसे मैंने 10 केस किए तो ये बता रहा है कि आपके पास ये वाला स्टॉक कम है, नेगेटिव में जा रहा है, तो मैंने यस कर लेता हूँ। मेरे पास स्टॉक कितना है इसको मैं एक बार F9 से इसको हटा देता हूँ। ड्रोन बीटा 80,000 है मेरे पास, जैसा कि मैं 80,000 ही डालता हूँ इसमें, 80,000 के 80,000 डालने के बाद इसका टोटल अमाउंट आ गया है मेरे पास 80,000, 194.37 रुपये के हिसाब से इसकी सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट आइटम डालता हूँ बोनवीटा 200 ग्राम, इसकी मेरे पास 60 क्वांटिटी है। जैसे मैं 60 लिखने के बाद 2 कार्टून हो गई है, 85.52 रुपये इसकी रेट है। थर्ड नंबर आइटम लेता हूँ मैं डेयरी मिल्क 5 रुपये वाली, 3456 इसकी क्वांटिटी है, 3456 क्वांटिटी। जैसे मैं इसकी 48 बॉक्स टोटल है एंटर, ये बिल बन गया अपना 40,000। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, 40,104 रुपये का बिल बन गया है। इसका मैं प्रिंट आउट भी आपको व्यू करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपका प्रिंट आउट व्यू होता है। इस तरीके से आपका प्रिंट आउट व्यू होगा, इसमें टोटल यूनिट्स लिखी हुई आ रही है, आपका टोटल टैक्स आ रहा है कितना, 6,117.54 रुपये इसका टैक्स हुआ है, CGST 3,058.77 रुपये और SGST 3,058.77 रुपये हुआ है। इस पर टोटल 18% का अमाउंट है 6,117.54 रुपये और आपकी क्वांटिटी, इसके HSN नंबर, आइटम की डिस्क्रिप्शन नेम, गुड्स नेम आ रहा है लिखा हुआ, इसकी रेट सिंगल रेट भी लिखी हुई आ रही है। इस तरीके से आप सेल का बिल बना सकते हो। सेल से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।